तुम बस रिलैक्स करो ना सुमित। इस घर में रिलैक्स करना तो मुमकिन ही नहीं है, जहाँ हर 5 मिनट में कोई ना कोई। हेलो माया और मनु, ये लो। क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे यहाँ रह सकता हूँ? क्या हुआ भैया? सिमरन और मैं फिर से। अरे वाह, ग्रेट न्यूज़ भैया। पता है, मैंने पूरे 10 मिनट तक सिमरन का हाथ थामे रखा। हाँ? लेकिन घर से निकलते वक्त बिल्डिंग के सेक्रेटरी ने हमें देख लिया और अब वो मुझे बिल्डिंग से निकालने की धमकी दे रहा है, जबकि हम लोगों ने कुछ किया भी नहीं। कुछ किया नहीं या तुझसे हुआ नहीं? भैया मुझे आप पे पूरा भरोसा है। एक काम करते हैं ना, जब तक कि पूरा मामला ठंडा ना हो जाए, आप यहाँ हमारे साथ रह लीजिए। सच? हाँ। तुम लोगों के साथ या फिर मम्मी जी पापा जी के साथ? कम से कम तुझे वहाँ अच्छा खाना तो मिलेगा। नहीं नहीं, खाना यहाँ का भी बहुत अच्छा है, लेकिन माँ के हाथ का खाना, हाय हाय हाय। भैया आप हमारे साथ रह सकते हैं और जब भी चाहे सिमरन को यहाँ बुला सकते हैं। थैंक्स माया, लेकिन फिलहाल ना ये बात मम्मी जी को पता नहीं लगनी चाहिए कि मैं यहाँ रह रहा हूँ। क्यों? तुम तो उन्हें जानती हो, उन्हें अगर ये बात पता चल गई ना तो बिगड़ जाएंगे कि पहले उन्हें ये बात क्यों नहीं बताई गई कि सिमरन और मैं एक साथ आ चुके हैं, और फिर बात का पतंगड़ बन जाएगा। मोनू तो पीछे चूहों की तरह खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, लेकिन मम्मी तुमसे लड़ेंगी। लिख लो, ये बाबा रजनीश श्री 108 वाले की भविष्यवाणी है। समझ गई भैया, मैं मम्मी जी को नहीं बताऊंगी। ओके ठीक है। तुम पूरी तरह से मैड हो गई हो क्या? क्या हुआ? उसे यहाँ मम्मी जी से छुपा कर रखोगी? उनसे बड़ा कोई जासूस नहीं है पूरे जीके में। बात का बतंगड़ मत बनाओ, मैं मम्मी जी को मना लूंगी। और वैसे भी रजनीश यहाँ पे नहीं रहे ना, उसी में हमारी भलाई है। पूरे दिन टीवी के सामने पड़ा रहेगा बनियान पहन के। हाँ, और वो तो तुम्हारी स्पेशलिटी है ना? 4 अलग-अलग तरीके के बदबूएं आती हैं उससे, और जब वो अपने जूते खोलता है ना तो ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हो जाती है। बोलो बोलो, तेरे पास 3 तकिए थे, मैंने 1 ले लिया, मेरा फेवरेट पिंक। देख लो भाई, मुझे 3 तकियों के साथ ही नींद आती है। अबे 3 तकिए गर्दन के नीचे लगा के सोएगा ना तो टूट जाएगी गर्दन। एक गर्दन के नीचे, 1 झप्पी लगाकर और 1 टांगों के बीच में लगाकर सोता हूँ मैं। झप्पी वाला है? टांगों के बीच वाला है। Period of play at the moment. The Indians trying to recover from the double blow. 104 for 2. For Shikhar Dhawan. Which go? Don't Leah. Oh. Which go? चॉकलेट सिरप तुम खिलाओ तो ही। सोनू वो क्या कर रहे हो? पढ़ाई। सॉरी मोनू। सॉरी। हाथ नहीं पकड़ना, वरना मैं तुम दोनों को अपने अपने घर भेज दूंगा अकेले पढ़ाई करने। तुम दोनों ना ऐसे नहीं मानने वाले। अलग हटो, जाओ, हटो, 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 हटो। Hands on your knees and finger on lips. चलो, चलो। मोनू क्या कर रहा है यार? समझा करना। हम दोनों इतनी लंबी जुदाई के बाद मिले, थोड़ा तो हमें अकेला छोड़, please. अच्छा, कॉलेज में तू भी तो एक बंदी घर पे लेके आया था, तब तो मैंने तुझे ऐसे हैंड्स और नीज और फिंगर और लिप्स करके नहीं बिठाया था। कब? कब? हाँ कब? 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 हाँ? हाँ वो, हाँ वो लड़की जो घर पे अपना दुपट्टा छोड़ गई थी, है? याद है? हाँ ये याद है, याद है, याद है। हाँ सुमित, वो दुपट्टा कैसे छोड़ गई थी?
अब मत पूछो। बोलिए ना। बोल बोल। मैं बताता हूँ। उन दिनों ना मोनू है ना दिल तो पागल है देखकर आया था। अच्छा। और माधुरी का बहुत बड़ा फैन हो गया था ये। हाँ। तो उस लड़की का दुपट्टा लेकर ना उसको माधुरी के स्टेप सिखा रहा था। उसने मुझे चैलेंज किया था और बालिया कभी भी चैलेंज से मुकरते नहीं है। अबे दुपट्टा बांध कर ठुमका लगाने से तो मुकरते हैं। अच्छा सुनो सुनो, इसने ना यहाँ पर कमर लचकाई और वहां से पापा दिया तुम के। वो मंदी तो कट ली। और याद है मोनू, पापा जी को मुझे समझाना पड़ा कि उनका लाडला बेटा लेडीज क्यों बना हुआ है। यार मैं तुम लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। शर्म शर्म। अबे लेकिन शर्म तो तुझे आनी चाहिए। हाँ कम से कम हमने अपने कपड़े पहने हुए, एक दूसरे के नहीं। माया के कबड़ से दुपट्टा निकाल ले। देख देख लिया तेरा भाईचारा, मैं जा रहा हूँ। मुन्नू जरा संभल कर। एक्सक्यूज मी प्लीज। कहीं दरवाजे में तेरा दुपट्टा ना अटक जाए। हसलो हसलो हसलो। और सोनू तुझे तो मैं रुला के रहूंगा, याद रखना ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज नहीं होती। मोनू तेरे लिए राजमा लाई हूं। मैंने कहा ना ऊपर वाले की लाठी में जो ना आवाज नहीं होती है। राजमा ये देख। हाँ राजमा। हाँ माँ के हाथ का राजमा। अब मैं ये राजमा अकेले साफ कर जाऊंगा। मोनू तू कितना खुश हो गया मेरा राजमा देख के। थोड़ा सा राजमा मेरे लिए भी रख ली। सोनू तू यहाँ क्या कर रहा है? मम्मी जी वो मैं मोनू से किताब लेने आया था। किताब? कौन सी किताब? लव पुचकी और धोखा। ऐसी कोई किताब है? हाँ हाँ बहुत पॉपुलर किताब है। इनफैक्ट इस किताब पे ना पिक्चर भी बनने वाली है। पुचको मैं भी खाऊंगी राज। माँ लो बन गई पिक्चर। और अगर कॉफी पीने के लिए आया ना तो हमारे यहाँ खत्म हो गई है सारी, ये पी गई। हाय भैया। भैया ये तुम्हारी किताब लौटाने के लिए आया था। भैया तुम ठीक हो? नहीं भैया मैं ठीक नहीं हूँ। पूरी रात सो नहीं सकी इस डर से कि सुमित जाग जाएगा, और ये सब आपकी गलती है, आपकी और आपके उस पीपल के भूत की। भैया तुमने पीपल के भूत को सुना है? नहीं भैया लेकिन सुमित सुनता है हर रात, क्योंकि सोते वक्त मेरी सांस घर फिस करके निकलती है और उसे याद आ जाता है कि बचपन में आप यही आवाज निकाल के उसे डराया करते थे। मैं डराया करता था? हाँ भैया आपके कर्मों का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। मोनू मकार धोखेबाज। भैया सच सुनना चाहती हो तो इस कहानी का मोगैम्बो मैं नहीं वो है, वो मुझे डराया करता था। हाँ और सब जानते हैं कि पीपल का भूत करके नहीं करके हंसता है, और बचपन में ना वो यही आवाज निकाल के मुझे डराया करता था। 15 साल की उम्र तक मैं की आवाज सुन के ना बिस्तर गीला कर दिया करता था। सॉरी भैया मुझे पता नहीं था। ये लो कॉफी और साथ में मम्मी जी की गर्मा गर्म कचौड़ियां। झूठे। माए सच में गर्मा गर्म है, चाहो तो छू के देख लो। पीप
पीपल के भूत से तुम नहीं भैया डरते थे। तुमने मनधड़क कहानी बनाई सुमित, तुम कितने बड़े फ्रॉड हो। माँ मैंने जानबूझ के झूठ नहीं। हाँ। और की आवाज भी तो तू अनजाने में निकालता था ना। माया इस आदमी की ना एक भी बात पे यकीन मत करना तुम। तू रिलैक्स करेगा, और वैसे भी तू हस्बैंड वाइफ के झगड़े में क्यों बीच में पड़ रहा है? तुमने झूठ बोला क्यों सुमित? क्योंकि तुम ये मानने को तैयार नहीं थी कि तुम खराटे मारती हो। माया जैसी सुशील लड़की और खराटे, छी शर्म आनी चाहिए तुझे उसके चरित्र पर कीचड़ उछालते हुए। तू जा यार, तेरे ड्यूटी का टाइम हो गया, तू जा यार। हाँ, देख क्या रहा है, जा जा। छी मुझे यकीन नहीं हो रहा सुमित, इतना बड़ा फ्रॉड, तुम्हारी वजह से पूरी रात जागी हुई रही। I'm sorry. नहीं, अब से तुम जागो या सो, I don't care. पापा जी, एक समोसा ले लूं? मोनू बेटा, बचपन से आज तक तूने जो मांगा है ना, मैंने सब दिया है, लेकिन समोसे ना दिए ना दूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। माया ने तो मेरा दाना पानी बंद कर दिया है, पता नहीं आज रात में डिनर मिलेगा या नहीं। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, चल एक समोसा ले ले, पर ये पहली और आखिरी बार दे रहा हूं, ये मत समझियो कि जसबीर वालिया का दिल पसीज गया है। अब ऐसा क्या कर दिया तूने आज जो प्रिंसिपल ने मुर्गा बना दिया फिर से? इस बार सच में मैंने कुछ भी नहीं किया, रात भर वो खराटे मारती है और मैं जागता हूं, और पनिशमेंट भी मुझे मिल रही है। वारी औरत, कौन उसका चेहरा देखकर कह सकता है कि माया ये कांड भी कर सकती है? यही तो प्रॉब्लम है, वो भी नहीं मानती। तू है ना 5 इंच से 5 फिट का हो गया, लेकिन जनानियों के बारे में है ना कुछ नहीं सीखा। अबे ये औरतें अपनी गलती मानने की गलती कभी कर ही नहीं सकती, जो इनसे मनवाएगा ना खुद ही मारा जाएगा। अच्छा पापा जी, तो आप ही बताइए नुस्खा। देख मुनू, आई एम द टेलिंग यू, तेरी माँ को भी ना सेम टू सेम डिट्टो खर्राटे लेने की बीमारी थी। मम्मी जी को? अबे एक रात को तो इतनी जोर से खर्राटे मारे कि पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया और कहा कि मोहल्ले में है ना भालू घुसाया। फिर क्या, मैंने उससे कहा वो भड़क गई, क्या जी मैं खर्राटे, नामुमकिन। अबे एक हफ्ते तक घर के अंदर घमासान युद्ध चलता रहा, फिर उसने मेरा खाना बंद कर दिया। तब मेरी समझ में आया कि टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा। मतलब अगले दिन ही मैं उसके लिए फूल लेके गया, उसको शॉपिंग कराई, विनोद खन्ना की पिक्चर दिखाई, और उसके गले में हाथ डालकर कहा, डॉली तू पेट्रोल है मेरी गाड़ी का, तेरे बगैर मेरी गाड़ी चल ही नहीं सकती। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आपने ये सब कहा? और बेटा, मजबूरी का नाम जसबीर वालिया, पूरे दिन उसके साथ रोमांस करने के बाद रात को सोने से पहले उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हीरिये मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ। तो बोली, ए जी मैं भी आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर मैंने कहा, हीरिये अपने नाक में घी डाल ले प्लीज, बस तेरी माँ मेरे इमोशन में बह गई और उसने उसी वक्त आधी कटोरी अपनी नाक में घी डाल लिया और हर रात डालती रही, और इस तरह मेरी उंगली टेढ़ी के घी ने उसके नाक में घुस के उसके खर्राटे हमेशा के लिए बंद करा दिए। और जसबीर वालिया फिर से चैंपियन। क्या उल्टी खोपड़ी चलाई आपने बाबा जी, पर माया मेरे लिए अपनी नाक में घी नहीं डालेगी। तो फिर कोई मॉडर्न टोटका इस्तेमाल कर ले। पापा जी ढूंढ तो लूं, पर माया मानेगी? देख बेटा, ये औरतें हैं ना ऊपर से कितना ही गुर्रा ले, लेकिन बेचारियों का दिल है ना बड़ा ही मोम होता है। तू है ना चाबी तो डाल, देख ताला अपने आप खुलेगा। थैंक यू पापा जी।
आज ऑफिस से लौटते ही हल्ला बोल। बस बेटा, दुआओं में अपने बाप का जरूर याद रखना।